हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट के ओल्ड पेपर के सेट 42 अर्थात 42 की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज से हम नया पेपर शुरू करेंगे, 27 अगस्त 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। इस सेट के अंदर हम इस पेपर का प्रथम भाग जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडिप कहा था? तो ये कहा था श्रीलंका को। अरब देश जो है वो श्रीलंका को किस नाम से जानते हैं? सेरेंडिप नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि तिरुपति मंदिर जो है वो तिरुपति बालाजी का मंदिर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, कपिलधारा मंदार दुंधुआधार में क्या समानता है? तो ये सब क्या है? ये सब झरने हैं या वाटरफॉल्स है। कपिलधारा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये नर्मदा नदी द्वारा बनाया गया सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, MEAT को ZRNG से कोडित किया जाता है, तो TEAM को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसको आप पहले अपने स्तर पर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मेरे आंसर से अपने आंसर को मिलाइएगा। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि यहाँ क्या है, यहाँ सबका डायरेक्ट कोड दे रखा है, मतलब M का डायरेक्ट कोड Z है, E का डायरेक्ट कोड R है, यहाँ कोई भी अलग से रूल नहीं लग रहा है, डायरेक्ट कोड है ये एक दूसरे के। तो इस प्रकार से T का डायरेक्ट कोड हम देखते हैं तो T का डायरेक्ट कोड G होता है, तो प्रथम पद आएगा G, और E का डायरेक्ट कोड तो E का डायरेक्ट कोड R होता है, तो सेकंड पद आएगा R। तो GR किस रूप में दे रखा है? GR दे रखा है फोर्थ वाले ऑप्शन में। और इसी प्रकार से A का जो डायरेक्ट कोड है वो है N, तो यहाँ N दे रखा है थर्ड में, और M का डायरेक्ट कोड Z है, तो Z दे रखा है, मतलब कि यही जो आंसर है वो हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न पर, अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष है? तो ये थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष, और 2017 के समथिंग से ही थी, तो इसलिए करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन है, उस समय की करंट अफेयर्स से, तो आपको करंट अफेयर्स जो है वो याद होने चाहिए, और साथ ही जो भी प्रथम प्रथम वाले हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर बड़ा सबसे बड़ा बांध है? नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध जो है वो सरदार सरोवर बांध है, और ये किस राज्य में है ये बात भी पूछी जा सकती है, तो ये है गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि का रिक्त स्थान में अनुमोदन किया था, तो ये किया था 2017 में, तो 2017 के करंट अफेयर्स से ये प्रश्न है, तो आपको करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे से तैयार करने हैं। इसके लिए मैंने मंथली और वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो जो है मैं बनाता रहता हूँ, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये पेपर 2017 का है, 2017 में रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित पटेल। अब अगर 2019 यानी वर्तमान में वो पूछे कि गवर्नर कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि शक्तिकांत दास जो है वो RBI के वर्तमान गवर्नर है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, BJP भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक और इंटरेस्टिंग बात कि श्यामा प्रकाश मुखर्जी जिन्होंने BJP का निर्माण किया था, वो पहले खुद कांग्रेस के ही नेता रह चुके थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो ये है साक्षी मलिक, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, और ये जो पदक था ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक, ये 2016 के ओलंपिक में साक्षी मलिक ने जीता था, और 2017 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि ये करंट अफेयर से ही पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था डिगबोई से। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है ये संख्या श्रेणी है, इसमें एक विषम ज्ञात करना है। अब यहाँ जो है कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और कोई एक शब्द जो है वो उस पैटर्न के अनुरूप नहीं है। देखते हैं, यहाँ श्रेणी को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ जो है ये योग श्रेणी है, तो क्या योग हो रहा है? 2 में 2 का हो रहा है, 4 में 8 का हो रहा है, 12 में भी 8 का हो रहा है, 20 में 10 का हो रहा है, 30 में 12 का हो रहा है, 42 में 14 का हो रहा है,
तो यहाँ पीछे से अवलोकन करते हैं 8 से, तो यहाँ सीरियल हमको दिखती है 8, 10, 12 और 14। ये दोनों जो है वो सीरियल से मैच नहीं खाते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो संख्या है वो जो है वो गलत होगी, तभी ये सीरियल से मैच नहीं खाते हैं। तो अब इस सीरियल के हिसाब से चले तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 6, मतलब हम यहाँ 6 जोड़ेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ 6 आएगा तब यहाँ 4 के स्थान पर भी क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 में ही 6 जोड़ेंगे तब 12 आएगा। अब उस हिसाब से यहाँ अपने आप ही 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 + 4 बराबर 6, 6 + 6 बराबर 12, 12 + 8 बराबर 20, मतलब कि यहाँ सब जो है वो श्रेणी जो है व्यवस्थित हो जाएगी। कब, जब यहाँ 4 के स्थान पे 6 होगा, मतलब विषम क्या है, विषम है 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। तो ये किया गया है सतना के भी गांव को, सतना जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। और ये जो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट है ये 2016 में शुरू हुआ था, इसीलिए ये उस समय के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता था, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में है। तो वो है रायसेन जिले में, और भीमबेटका की गुफाएं जो है वो एक विश्व धरोहर है, और ये जो है ये प्राचीन अवशेषों से, यानी कि आदिकाल के जो अवशेष है, आपने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा होगा इतिहास में, तो ये उसी काल से संबंधित है भीमबेटका की गुफाएं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि DWR को FWQT से कोडित किया जाता है तो विंडो को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है +2 का, डी के बाद एफ प्राप्त करने के लिए +2 किया, उसके बाद ओ से भी +2 किया, फिर यहाँ ओ से फिर +2 किया, आर से फिर +2 किया, सब में +2 हो रहा है, तो यहाँ भी आपको +2 +2 ही करना है। और उसके बाद मुझे कमेंट सेशन में आंसर जरूर बताइएगा कि सर 15वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो ऑरेंज शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 6 अक्षर शब्दों का निर्माण हो सकता है। तो ये कुल 6 अक्षर ही है, तो 6 अक्षर शब्दों का निर्माण करने के लिए हम फैक्टोरियल 6 प्रकार से कर सकते हैं। अभी यहाँ कोई रिपीट हो रहा है क्या, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो बटे में कुछ भी नहीं आएगा। फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। फैक्टोरियल को ओपन करना मैं हर बार बताता हूँ, फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखिए 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120, 120 × 3 = 360, 360 × 2 = 720, 720 × 1 = 720, हो गया 720, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, दो भिन्न संख्याओं में समान अंक, समान दो अंक है पर प्रतिलोम क्रम में है। यदि दो अंकों का ये समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये दो संख्या है एक्स वाई और वाई एक्स, ये इन दो संख्याओं की बात कर रहा है कि दो भिन्न संख्या है, उनमें दोनों अंक समान है लेकिन दोनों क्या है, प्रतिलोम क्रम में, मतलब एक आगे है एक पीछे है। यदि अंकों का योग 5 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 27 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। चलिए पहला ऑप्शन तो यही है 36 63, तो बिल्कुल अंक प्रतिलोमी थे। दूसरे ऑप्शन में भी अंक प्रतिलोमी थे, तीसरे में भी प्रतिलोमी थे और चौथे में भी प्रतिलोमी थे, मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये प्रतिलोम क्रम वाला जो कंडीशन है वो सब में फॉलो हो रहा है। अब अंकों का योग 5 देखते हैं तो 6 और 3 = 9 हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 2 और 7 = 9 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 4 और 1 = 5 हो रहा है, बिल्कुल ये हो रहा है। 5 और 1 = 6 हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है। मतलब सेकंड कंडीशन से ही हमको हमारा आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी थर्ड कंडीशन भी लगा देते हैं, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 27 है, तो घटाते हैं। जब 41 में से 14 को घटाएंगे तो 27 ही आ रहे हैं, मतलब कि थर्ड ही 100% हमारा सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको श्रृंखला को समझना है, क्या हो रहा है यहाँ, ए से डबल ए आया, फिर ट्रिपल ए आया, तो अब 4 बार ए आएगा। तो देखते हैं 4 बार ए किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है और इसमें भी नहीं दे रखा है। तो सीधा सा पहला ही ऑप्शन सही हो गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, सी दूसरे वाले में आया है, तीसरे वाले में 2 बार सी हुआ है, तो आगे जाके 3 बार सी होगा, तो इसमें 3 बार सी दे रखा है। उसके बाद ई का मान भी बढ़ेगा, यानी कि 2 बार आएगा ई, तो ये 2 बार आ गया। अब यहाँ देखिए ए के बाद +2 करके सी आया है, सी के बाद फिर +2 करके ई आया है, तो ई के बाद फिर +2 करके जी आ गया है, मतलब कि फर्स्ट ही जो है वो 100% करेक्ट है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो श्रृंखला को सबसे पहले तो समझना है,
अब यहाँ देखिए, हम उल्टा ही चलेंगे तभी बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ सीधे से तो डायरेक्ट रिक्त स्थान ही आ गया है। तो आठ यहाँ 16 से 8 कैसे आया होगा, 2 से भाग दिया होगा। और भी यहाँ 8 से 8 कैसे आया होगा, 1 से भाग दिया होगा। इसका मतलब यहाँ क्या किया होगा, यहाँ 3 से या फिर अगर 4 से भाग दिया होगा। तो दोनों देख करके देखते हैं, 16 से अगर 3 से भाग दिया है मतलब 1 2 3 4 वाली श्रेणी भी चल सकती है। तो एक मिनट में एक एक करके बताता हूँ, यहाँ 1 और 2 आया है तो यहाँ 3 आ सकता है। मैंने हर बार मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी श्रेणी जो है वो दो प्रकार से चल सकती है। तो यहाँ 16 3 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 आएगा तो इस क्रमांक से यहाँ क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 8 चौक 32, हासिल 3 4 चौक 16 और 3 19, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, 192 आना चाहिए। जबकि यहाँ तो 512 है, मतलब कि ये जो 1 2 3 4 वाली श्रेणी है ये इस प्रकार की श्रेणी नहीं है। फिर देखते हैं, यहाँ 1 2 तो आएगा ही सही, इसका मतलब हो सकता है दुगुना हो रहा है, तो 2 का दुगुना हो सकता है 4, तो 4 का गुणा कर देते हैं, 16 चौक 64। अब फिर 4 के दुगने का गुणा करेंगे यानी कि 8 का गुणा करेंगे, जब 8 का गुणा 64 में कर रहे हैं तो 512 आ रहा है, मतलब कि यहाँ 64 ही जो है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। इस प्रकार से आपको क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा तभी आपका आंसर जो है वो सटीक हो पाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है लुप्त संख्या। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी योग श्रृंखला जैसा लग रहा है, करके देखते हैं। 15 जोड़ेंगे, 3 में 15 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 में 20 जोड़ेंगे तो 38 आएगा, 38 में 25 जोड़ेंगे तो 63 आएगा, 63 में 30 जोड़ेंगे तो 93 आएगा, 93 में 35 जोड़ेंगे तो मतलब 15 20 25 30 35, तो यहाँ क्या जुड़ेगा, 40 जुड़ेगा। तो 128 में जब हम 40 जोड़ते हैं तो 168 हमारा आंसर हो जाता है। चलिए, बहुत ज़्यादा सरल ही प्रश्न आ रहे हैं और श्रृंखला जो है वो आपको हर एक सेट में देखने को मिल रही है, श्रृंखला की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 0 6 24 60 120। तो ये जो है ये लगभग गुणनखंड वाली श्रृंखला लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, सिर्फ गुणनखंड वाली भी नहीं हो सकती है, हो सकता है स्क्वायर वाली हो। जीरो से छः, छः से चौबीस, चौबीस से साठ, साठ से 120। चलिए एक काम करते हैं, प्लस से ही स्टार्ट करते हैं। जब हम प्लस करेंगे तो 6 को प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो 18 प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्लस करेंगे तो क्या प्लस करेंगे, हम 36। अब 60 में फिर 60 प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं योग श्रृंखला के हिसाब से 6 से 18 कैसे आया, 6 में मैंने 12 प्लस किया तो 18 आया है। अब 18 से 36 कैसे आया, तो 18 में मैंने 18 प्लस किया है तो 36 आया। अब 36 से 60 कैसे आया, तो 36 में मैंने 24 प्लस किया तो 60 आ गया, बिल्कुल आया, ठीक है ना। मतलब यहाँ क्या श्रृंखला बन रही है, 12 और 6 18 और 6 24। तो 24 और 6 क्या प्लस करना है मुझे, 30 प्लस करना है यहाँ पर। तो 30 प्लस करते हैं तो 60 में 30 प्लस करेंगे तो क्या जोड़ना है मुझे, 90 जोड़ना है। अब 120 में जब मैं 90 जोड़ता हूँ तो आंसर आता है 210, तो 210 हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, श्रृंखला को दो प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, दूसरे प्रकार से भी आप अपने अनुसार कर सकते हो। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाला है। कथन देखते हैं क्या दिया है। कुछ तोते तोते को टी से प्रदर्शित करते हैं, पक्षी नहीं है, तो ये क्रॉस कर देते हैं, पक्षी को पी से निरूपित कर देते हैं। सभी तोते कबूतर है, तो तोतों को किसके अंदर ले लेते हैं, K4 कबूतर के अंदर ले लेते हैं। कुछ कबूतर पक्षी नहीं है, तो कबूतर का जो कुछ भाग है, ये देखिए कबूतर का इतना सा जो भाग है वो पक्षी नहीं है, बिल्कुल बात सही है। सभी कबूतर तोते हैं, तो सभी कबूतर कहाँ तोते हैं, बाहर से अंदर तो आ ही नहीं सकते, अंदर से बाहर जा सकते हैं। सभी तोते जरूर कबूतर है लेकिन कबूतर जो है वो तोते नहीं है, तो सेकंड जो है वो गलत है, मतलब निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न फिर से कथन निष्कर्ष वाला है। देखिए, 4 से 5 प्रश्न हमको ये देखने को मिलेंगे, तो कथन निष्कर्ष की भी आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं, सभी कवर लिफाफे हैं, तो कवर को के से और लिफाफे को एल से कोडित कर देते हैं। सॉरी, सभी दे रखा है कि सभी कवर जो है यानी कि के वो क्या है, लिफाफे हैं मतलब एल है। सभी कार्ड भी लिफाफे, मतलब लिफाफे के अंदर को क्या लिखना है, कार्ड भी लिखना है, कार्ड को मैं सी से निरूपित कर देता हूँ। कुछ
कुछ कार्ड कवर है, कार्ड और कवर का कोरिलेशन नहीं दे रखा है, और यहाँ दूसरा जो निष्कर्ष है वो भी नेगेटिव दे रखा है इसका, कोई कार्ड कवर नहीं है, मतलब कार्ड कवर नहीं है, मतलब या तो फिर कुछ कार्ड कवर होंगे या फिर कुछ कार्ड कवर नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत कंडीशन है। तो मैंने पहले भी कहा है जब एक दूसरे की विपरीत आए तो आंख बंद करके या वाली कंडीशन सही हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं या वाली कंडीशन दे रखी है नहीं दे रखी है, इसीलिए न ही निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो वाला हम लगा देते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है फिर से कथन निष्कर्ष से संबंधित है। सभी छात्र बुद्धिमान है, छात्र सी फॉर छात्र, बी फॉर बुद्धिमान, रामू बुद्धिमान नहीं है, मतलब कि ये रामू जो है ये बुद्धिमान नहीं है, रामू छात्र नहीं है, रामू क्या छात्र है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए बुद्धिमान के अंदर ही छात्र आएगा तो रामू जो है वो छात्र नहीं है, बिल्कुल बात सही है। रामू को विद्यालय जाना पड़ेगा तो विद्यालय की तो कोई बात ही नहीं की है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, तो पहला ही निष्कर्ष सही है यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है फिर से कथन निष्कर्ष से संबंधित है। सभी गुलाब लिली है, गुलाब को जी से दर्शा देते हैं, सभी गुलाब जो है वो क्या है, लिली है, मतलब लिली इसके ऊपर आ जाएगा। अब कुछ गुलाब लाल है, ये लिली को एल आई से कोडित कर देते हैं, ये आई बना दिया, ठीक है ना, ये लिली हो गया। अब कुछ गुलाब लाल है, मतलब कुछ गुलाब को मैं किससे कोडित कर देता हूँ, लाल से, लाल मीन्स एल ए लिख देते हैं, एल ए एल लाल, ये हो गया। अब कुछ लिली लाल है, तो कुछ लिली लाल है बिल्कुल है, दोनों का रिलेशन सामने दिख रहा है, कुछ लाल लिली है तो कुछ लाल भी लिली है, दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, भारत की खोज के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू की थी, और इससे पहले वाले पेपर में भी यही प्रश्न आया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताइए। धार्मिक आंदोलन उन्होंने शुरू किया था दीन इलाही, है ना, ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया था, दीन इलाही धर्म शुरू किया था, और इसको मानने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसको मानने वाला प्रथम व्यक्ति बिरबल था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुना जाने वाला एक सदस्य कितनी अवधि के लिए सेवारत होता है, तो वो होता है 6 वर्ष की अवधि के लिए। ध्यान रखिए राज्यसभा की यहाँ बात हो रही है, लोकसभा में तो 5 वर्ष की अवधि होती है लेकिन राज्यसभा में 6 वर्ष की अवधि होती है। एक और बात कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन मानी जाती है, कभी भंग नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एनडीए की वो बात कर रहा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वो स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। एनडीए की एग्जाम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानी है, तो गलत संयोजन आपको पहचानना है। इसके लिए सबसे पहले तो संख्या श्रेणी देख लेते हैं, प्लस वाली संख्या श्रेणी लग रही है तो प्लस करते हैं, यहाँ पे 22 प्लस हो रहा है, अब 143 में क्या प्लस हो रहा है, 23 प्लस हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, मतलब यहाँ क्या प्लस होगा, यहाँ 24 प्लस होगा। एक काम करते हैं पहले देख लेते हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट भी अच्छी बात नहीं है, यहाँ तो 21 ही प्लस हो रहा है फिर से, ये देखिए, अब फिर यहाँ तो यहाँ फिर से 22 प्लस हो रहा है, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है, 23 और 21 में गड़बड़ हो रही है, तो बीच वाली संख्या में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या लग रही है, सब में 22 22 जुड़ रहा है, लग रहा है कि यहाँ 22 आना चाहिए था, जब यहाँ 22 आना चाहिए था तो यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ 65 आना चाहिए था, अगर यहाँ 65 होता तो यहाँ भी अपने आप क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इसीलिए 166 गलत आंसर है, 166 के स्थान पर क्या होना चाहिए, 65 होना चाहिए। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न फिर से संख्या श्रेणी से संबंधित है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है, 5 से 17 ये देखते हैं, योग वाली श्रेणी लग रही है, 5 से 12 जुड़े तो 17, 17 में फिर 20 जुड़े तो 37, 37 में 28 जुड़ेंगे तो 65, अब 65 में फिर क्या जुड़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ क्या है, 12 सब में +8 +8 हो रहा है ना, ये देखिए 12 और 8 20, 20 और 8 28, तो इस प्रकार से चले तो 28 और 8 होना चाहिए यहाँ पर, तो 28 और 8 क्या हो जाएंगे, 36 36 हो जाएंगे। अब 65 में जब मैं 36 जोड़ता हूँ तो 101 आते हैं,
यानी कि यहाँ 100 गलत दे रखा है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन। 36 के बाद 8 और प्लस करेंगे, यानी कि क्या जुड़ना है, 44 जुड़ना है। तो जब मैं 101 में 44 जोड़ता हूँ तो 145 आ रहा है, मतलब कि सही बात है, 100 ही गलत था, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, 101 होना चाहिए था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किस किन दो देशों को की सीमा को विभाजित करती है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी। तो ये की थी बेल्लूर में। अब ये बेल्लूर कहाँ है, तो ये बेल्लूर है कर्नाटक में, ये बात भी आप याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न श्रृंखला से संबंधित है, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो हर बार एक एक ऑप्शन को आपको बिठाना है और जिसमें आपको श्रृंखला उचित लग रही है वो आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, आंसर है सेकेंड ऑप्शन ए सी बी ए। यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा सी, यहाँ आएगा बी और यहाँ आएगा ए। देखिए आप श्रृंखला सामने दिख रही है, बहुत सरल श्रृंखला है, डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये बात बहुत आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अब ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी। तो ये परिकल्पना की थी जवाहरलाल नेहरू ने। एक और खास बात कि अगर आपको बांध के बारे में कुछ भी पता नहीं हो और उसके मतलब भारत में सबसे ज्यादा बांधों की परिकल्पना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने ही भारत में सबसे ज्यादा बांधों की कल्पना की थी, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए बांध का निर्माण जो है वो उच्च स्तर पर यहाँ करवाया गया था प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक विषम ज्ञात कीजिए, खूबसूरत और मनोहर, भाई और चिंता, ठंडा और शीतल, टालना और खोजना। तो देखिए एक तो यहाँ भाई और चिंता हमको विषम लग रहा है और एक टालना और खोजना विषम लग रहा है, बाकी ये दोनों जो है वो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब यहाँ इन दोनों में भी हम ध्यान से देखें तो टालना और खोजना ही हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि भाई और चिंता भी लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि भाई है तो भाई की चिंता हमें होगी ही सही। अगर वो खूबसूरत है तो वो हमारा मन हरने वाला है, ठंडा है तो वो शीतल भी होगा ही सही, तो भाई है तो भाई की चिंता भी हमें होगी। इसका मतलब जो है वो फोर्थ ही जो है वो हमारा सही, ये दोनों तो विपरीत ही हो रहे हैं, टालना और खोजना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न फिर से कोड भाषा से संबंधित है, और इस कोड भाषा में हमको एल ओ एम बी के लिए कोड निकालना है। लोम्ब शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, तो लोम्ब यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब दोनों में जहाँ कोई एक शब्द होगा गॉड इज ग्रेट में से जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा, तो गॉड जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है, इस जो है वो भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये दोनों कॉमन नहीं आ रहे, सिर्फ ग्रेट ही कॉमन आ रहा है। ये देखिए ग्रेट यहाँ भी है और ग्रेट यहाँ भी है, मतलब कि लोम्ब का अर्थ क्या है, ग्रेट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार का प्रश्न है, गुड को कैसे कोडित किया जाता है। तो गुड यहाँ दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, कोड देखते हैं। इसी प्रकार से सामने भी कोई एक कोड होगा जो रिपीट हो रहा होगा, तो होप जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये गुड का अर्थ क्या हो गया, होप हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के ही मीन्स होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एच पी एम ई एफ ओ से को गोल्डन से कोडित किया जाता है, तो गोल्डन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखते हैं, -1 हुआ, यहाँ भी -1 हुआ, यहाँ भी -1 हुआ, यहाँ भी -1 हुआ, सब में -1 हो रहा है, मतलब यहाँ भी आपको -1 करना है। तो जी से जब हम -1 करते हैं तो एफ आता है। एक मिनट, मैंने आपको पैटर्न बता दिया है तो आप क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर मुझे बता दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 40 है ये, तो ये इस पॉइंट ऑफ सॉरी ये जो टॉपिक हमने लिया था इसका लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा 40 क्वेश्चन का। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, अब अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी पेपर का। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना भी आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा।